माय डियर कैंडिडेट, मेरे साथ में ब्रिजेंद्र हैं अभी, आज इनकी ज्वाइनिंग देखिए मेलोडी पॉलीकास्ट में हुई है, ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। बेसिकली कितना लोग आजकल मिसगाइड होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, ये पूरी चीज़ शेयर करेंगे। ब्रिजेंद्र अपने बारे में बताओ, क्या यहाँ का एक्सपीरियंस रहा, लोग मोटिवेट होंगे। नमस्कार सर, मेरा नाम ब्रिजेंद्र है, इसके से बोल रहा हूँ। इसके पहले मैं एक अदर जगह पर काम करा और कई भी जगहों पर ऐसा जैसे किसी ने गाइड किया कि आप वहाँ पर चले जाइए करते रहिए, लेकिन अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया, जिस वजह से मुझे संस्कार सोसाइटी के बारे में मालूम हुआ। BS सतना ने मुझे सर ने कॉल किया, सेक्शन ने मुझे गाइड किया और ये बताया कि आप किस फील्ड में कैसे काम कर सकते हैं। तो जैसे भी आपकी प्रॉपर एक एजुकेशन होती है उस हिसाब से आपको अच्छे से अच्छे स्तर पर भेजा जाता है और वहाँ पे गाइड भी किया जाता है या ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के माध्यम से लोगों को ये बताया जाता है कि आप कैसे काम कर सकते हैं, क्या आपका जरिया है, कैसे आप पहुँच सकते हैं और आगे भी आपके लिए प्रयास किया जा सकता है जितना से अच्छा हो सकता है। अभी मेरा मेलोडी एंड पॉलीप्लास्ट में अच्छा सा एक पैकेज हुआ है, डिसाइड हुआ है, वो भी बेसिक है, धीरे धीरे अच्छा से अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मुझे ये समझते हो कि डिफरेंस यहाँ पे जो आजकल नहीं, आजकल जॉब मार्केट में कंसल्टेंसी में से तुम भी कोई परेशान हुए हैं? काफ़ी लोगों ने बताया कि कंसल्टेंसी में जाने से आपको पैसा इन्वेस्ट होता है या देना होता है, तो यहाँ तो डाउट के साथ आए थे, बिल्कुल डाउट था, लेकिन वो विश्वास से बदला लगा कि कंसल्टेंसी कैसा है। एक अच्छा काम होता है कि आपको कंसल्टेंसी नहीं होती है पर ये चीज़ें बताई जाती हैं, बस थोड़ा सा आपको उनके साथ जुड़ कर काम करना पड़ता है। इन्होंने अपने अनुभव में बताया कि बेसिकली जो चीज़ है कि कंसल्टेंसी में गए, कंफ्यूज्ड रहे, परेशान रहे, हो करके आए, यानी कि ये कम से कम परेशान होकर के आए, इसके बाद भी इनका तुरंत जादू की छड़ी नहीं चली कि इनकी तुरंत ज्वाइनिंग हुई, सेशन हुए, इंटरव्यू रिजेक्ट सेलेक्ट हुए आज सेशन में, और इनको ये भी पता कि यहाँ पे ज्वाइनिंग के बाद में लोगों की दूसरी तीसरी ज्वाइनिंग भी यहाँ से हो रही है। माय डियर कैंडिडेट, अच्छा करने की नीयत से जब आप चलते हैं, लोगों को रोजगार देना वो वाला है जो वो चाहते हैं, अपनी डिजर्विंग प्रोफाइल का फर्क बहुत पड़ता है इन सब बातों का। इसलिए मैं आप सबसे माय डियर कैंडिडेट कहूँगा, एक एक बात इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है। आज भी देखिए अकाउंट्स के सेशन जो 40,000 का जिनको खुद अर्निंग मिल रहा है वो अलग से ले रहे हैं, ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पे सेशन अलग से चल रहा है। आज मैंने स्ट्रिक्ट स्टेप भी लिए कि जो प्रोफाइल में नहीं आएगा उसको हम लोग आगे अब नहीं भी भेजेंगे, ये भी ध्यान रखना, पेनाल्टी भी अब देनी पड़ेगी। जैसे पेनाल्टी का मैंने नाम लिया तो 8-10 लोग बीच रास्ते से चल करके आना चालू हो गए। शादी में जा रहे हैं बट शादी में करते हुए भी आपको पेनाल्टी अब देंगे, शादी को चुनेंगे और ट्रेनिंग और इंटरव्यू को नहीं चुनेंगे, ज्वाइनिंग को नहीं चुनेंगे, तो आपके ऊपर पेनाल्टी जरूर रहेगी। माय डियर कैंडिडेट, ये जो कारवा है ये अपने आप में पॉजिटिव चीज़ों में बदलता चला जा रहा है और ऐसे जब इनकी ज्वाइनिंग्स आती है तो घर की इनकी दिक्कतें दूर होती हैं, परेशानी कम होती है, उसकी दुआओं का अकाउंट आगे बढ़ रहा है। थैंक यू फॉर टुडे जॉब ऑन ड्राइव, MySimJob.com। थैंक यू।